कर्नाटक में उपचुनाव में अपना परचम लहराकर बहुमत हासिल करने वाली येदुरप्पा सरकार की परेशानी अभी खत्म नहीं हुई है। जीतने वाले विधायकों को बेशक सरकार ने मंत्री बनाने का ऑफर दे दिया हो, मगर बागियों की डिमांड अब भी बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि वो सिर्फ मंत्री पद से खुश नहीं है। तो क्या है बागियों की चाहत जो येदुरप्पा सरकार की बढ़ा रही है आफत, इस रिपोर्ट में देखिए। सोमवार को कर्नाटक विधानसभा की 15 सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम बीएस येदुरप्पा सरकार के लिए संजीवनी साबित हुए, क्योंकि पार्टी 12 सीटों पर शानदार जीत हासिल करते हुए बहुमत के जादुई आंकड़े तक पहुंचने में कामयाब हो गई। जिसके बाद इस जीत से गदगद सूबे के मुख्यमंत्री बीएस येदुरप्पा ने जीतने वाले 12 में से 11 विधायकों को तोहफा देने का ऐलान कर दिया और ये इनाम विधायकों को मंत्री पद के रूप में देने की घोषणा की। लेकिन विधायकों को ये रास नहीं आ रहा है और उनके मन में कुछ और ही है, वो सिर्फ मंत्री पद से खुश नहीं है। जी हाँ, खबर है कि जीतने वाले विधायकों के मन में मजबूत मंत्रालयों की महत्वाकांक्षाओं ने हिलोरे मारना शुरू कर दिया। सूत्रों के मुताबिक विधायक डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें गृह, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई, ऊर्जा जैसे मजबूत मंत्रालय दिए जाएं। सूत्रों के मुताबिक इन विधायकों का मानना है कि येदुरप्पा सरकार उनके दम पर चल रही है, ऐसे में उन्हें मजबूत मंत्रालय दिए जाने चाहिए। इतना ही नहीं, जो 3 नेता चुनाव हार गए हैं उनकी भी अनदेखी नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें कि उपचुनाव में एमटीबी नागराज, विश्वनाथ और रोशन बेग हार गए थे। वही विधायकों की इस फरमाइश से चिंतित बीएस येदुरप्पा जल्द नवनिर्वाचित विधायकों से बेंगलुरु में मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग के बाद येदुरप्पा गुरुवार को दिल्ली पहुंचेंगे और पार्टी आलाकमान से विधायकों की मांग के संबंध में चर्चा करेंगे। कहा जा रहा है कि विधायक अपनी मांगों पर अड़िग हैं, यानी स्थायी सरकार चलाने का दम भर रही येदुरप्पा सरकार के सामने एक बार फिर बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। ऐसे में अब येदुरप्पा नवनिर्वाचित विधायकों की डिमांड पूरी करने के लिए क्या रास्ता अपनाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। डीवी लाइव की रिपोर्ट।